का हार्दिक अभिनंदन। आज लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन और धरना का आयोजन अम्बेडकर टावर पर किया जा रहा है सीतामढ़ी के। आइए हम इस कार्यक्रम को देखते हैं। नमस्ते। ये रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो हमारा जो अग्निपथ के तहत अग्निवीर कार्यक्रम के अंतर्गत जो बहाली की प्रक्रिया है, उसमें जो भी युवाएं हैं उनमें से 75% को सरकार 4 साल बाद सेवानिवृत्त कर दे रही है और 25% को ही केवल परमानेंट रखेगी। हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका ये सोच है कि बिहार जैसा गरीब राज्य है, चाहे यूपी है या उड़ीसा है, यहाँ के अधिकतर जो युवा हैं मैट्रिक या उससे पहले से ही आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं और उसमें इनसे जीवन भर अपना सेवा या जब तक 60 वर्ष की जो उम्र होती है या सेवा का जो अवधि है उस उम्र तक अभी तक उसमें जॉब होता है। 4 साल बाद जब उसमें से लोग रिटायर होकर के चले आएंगे तो 4 साल बाद उनका क्या होगा? 21 वर्ष के ही उम्र में वो बेरोजगार और अधिक से अधिक अगर 21 वर्ष की उम्र में वो जाते हैं तो 25 वर्ष की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे। तब तक वो उसके बाद न उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी बढ़िया से और न कोई और जो उसके बाद का जीवन है उसके बाद का जीवन काफ़ी संघर्ष में हो जाएगा। हमारा मानना है कि जो पुरानी बहाली की प्रक्रिया थी उसको जारी रखें और ये जो अग्निवीर कार्यक्रम है इसको एक डिप्लोमा कोर्स की तरह या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह इसको जारी किया जाए, इसको फुल स्टेज में लागू नहीं किया। आपका नाम किसर? मेरा नाम हरिंतु पासवान हो गया जी सर। हम प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव हुए जी सर। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष त्याग पासवान जी के निर्देशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान जी के निर्देशानुसार आज जो यह कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्थल पर रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य है कि भारत सरकार द्वारा जो अग्निक की जो बहाली का जो नियम बना है बीजेपी की ओर से, यह नौजवानों के हित में सही नहीं है। उनका भविष्य अधर में लटक गया। प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत मत, अपना बीजेपी वाले डिक्टेटरशिप मत चलाएं, आम लोगों से उन विद्यार्थियों से उन परीक्षार्थियों से जो आवेदक है उनसे राय विचार करके राय विमर्श करके और विपक्षी पार्टियां हैं उसे भी राय विचार विमर्श करके किसी भी योजना लंच किया जाना चाहिए। आज जो भी भारत सरकार अगर योजना लंच करती है उसमें खामियां रह जाती है। इसका एक उदाहरण आपको जो है किसान के समय में जो योजना जो लागू की गई थी कितने किसान उसमें मर गए थे और सरकार का जितना भी संपत्ति है उनका था वह सरकार की संपत्ति नहीं है, आम जनता की संपत्ति है, आम पब्लिक की संपत्ति है, ताकि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। रेल को जलाया गया है, रेल सरकार की संपत्ति यानी आम जनता की संपत्ति है, इसे आम जनता का नुकसान होता है, कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा आप योजना आप लाते हैं जिसको अरब खरब जो सरकार की जो कि संपत्ति का नुकसान होता है और इसका भरपाई पूरे भारत को जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए कोई भी योजना लाने से पहले इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और संबंधित जो भी है सदस्य राज्य कार्य समिति लोजपा बिहार जी सर, भारत सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण इसको कहते हैं टांचावाज, आज देश जल रहा है, युवा सुलग रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य के साथ हकमारी की जा रही है, युवा आंदोलन का राह चुन चुके हैं। इसके जिम्मेवार भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं। आज जो MLMP बनता है 5 वर्षों के लिए 5 साल में खरब हो जाते हैं, फिर भी उनको आजीवन पेंशन मिलता है। ए, ए,
देश विरोधी कदम है। मोदी जी को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोकप्रिय हैं, गरीबों के हितैषी हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, एमएलए, विधान परिषद के सदस्यों का पेंशन बंद करें, और भारत में जो अभी जो विस्फोटक रूप ले रहा है जनसंख्या, उस पर नियंत्रण के लिए कानून लाए, तभी भारत बड़ा होने वाला है। और मैं एक स्वर से लोजपा मांग करती है कि किसान के साथ जो धोखा घड़ी करके काला कानून लाया गया था, उसी तरह इस काले कानून को अविलंब वापस ले, देश हित में, युवा हित में इसे वापस ले करके, और इसका व्यापक पैमाने पर सभी विपक्षी दलों की राय से, एक एक जनता की राय से एक कानून बननी चाहिए, युवा बेहतर भविष्य हो। बस।